आज की वीडियो में हम इब्ने तैमिया के अकायद आपके सामने रखेंगे। इब्ने तैमिया के तौहीद और ज़ियारत रसूल के बारे में कौन से अकायद मुतनाज़े थे, इन्होंने खुदा के वजूद को किस तरह साबित किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने वालों को इस्लाम से खारिज क्यों करार दिया, बाजमात नमाज तर्क करने वाले को दायरे इस्लाम से खारिज करके इसकी गर्दन उड़ाने का फतवा क्यों जारी किया, वो वाक़या कैसे था जब इब्ने तैमिया को जुमे की तकरीर के दौरान लोगों ने जूते मारकर मिंबर से उतार दिया, इनको किन वजूहात की बिना पर कैद किया गया और इनकी कैद के दौरान मौत कैसे हुई। इब्ने तैमिया इतने जज्बाती क्यों थे, हर बात पर कुफर का फतवा देकर गर्दन उड़ाने का हुक्म क्यों जारी करते थे, यही सब मौजूद हमारी वीडियो का मौजू है। आप देख रहे हैं हिस्ट्री ओ क्लाक चैनल। नंबर एक, तौहीद। इब्ने तैमिया गैर खुदा से हर किस्म के तवसल और इस्तगासा को शिर्क कहते हैं, या अंबिया औलिया कराम को शफी करार देना, इसी तरह कबूर की ज्यारत और वहाँ पर दुआ करना, मसलन ये कहना या मोहम्मद और पैगंबर इस्लाम और सालहीन की कबूर के नज़दीक नमाज पढ़ना, नीस इनकी कबूर पर कुर्बानी करना, ये इन सब को इब्ने तैमिया ने शिर्क कहा है। लिहाजा इस बिना पर इब्ने तैमिया की नज़र में मौखद वो है जो अगर कोई चीज़ तलब करे तो बराए रास्त खुदा से तलब करे और किसी को भी वास्ता ये शफी करार ना दे और किसी भी उनवान से गैर खुदा की तरफ तवज्जा ना करे। नंबर दो, कुफ्र शिर्क के मायने में वसूत देना। बाज़ वो अमाल जो तमाम मुसलमानों के दरमियान जायज़ बल्कि मुस्तहब भी हैं, इब्ने तैमिया की नज़र में शिर्क और बेदीनी का सबब है। मसलन अगर कोई शख्स आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत के लिए सफ़र करे और इसके सफ़र का असल मकसद मस्जिद नबवी में जाना हो तो ऐसा शख्स सईद मुरसलिन की शरीयत से हारज है, और अगर कोई शख्स तलब हाजत की गर्ज से पैगंबर या किसी दूसरे की कब्र की ज़ियारत करे, इसको खुदा का शरीक करार दे और इससे कोई चीज़ तलब करे तो इसका ये अमल हराम और शिर्क है। इसी तरह अगर कोई कबूर से नफ़े का उम्मीदवार हो और इनको बला मुसीबत दफ़ा करने वाला सब्र करे तो इसका हुक्म बुत परस्तों की तरह है, जिस तरह बुत परस्त बुतों से हसूल नफ़ा और नुकसान के कायल हैं। इसी तरह जो लोग कबूर की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो इसका मकसद भी मुशरकीन के कसद की तरह होता है कि वो लोग बुतों से वही चीज़ तलब करते हैं जो एक मुसलमान खुदा से तलब करता है। इसी तरह से इब्ने तैमिया का कहना है, अगर कोई इंसान गैर अल्लाह को पुकारे और गैर खुदा की तरफ जाए और मुर्दों को पुकारे चाहे वो पैगंबर हो या गैर पैगंबर, तो गोया इसने खुदा के साथ शिर्क किया। इब्ने तैमिया की नज़र में कुफ्र और शिर्क का दायरा इससे कई ज़्यादा वसी है जिसका हमने जिक्र किया, क्योंकि वो जनाब तो यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर कोई मस्जिद का पड़ोसी हो और अपने काम वगैरह की वजह से नमाज जमात में शरीक ना हो सके तो इसको तौबा कराई जाए, अगर तौबा ना करे तो इसका कत्ल वाजिब है। गुज़िश्ता मतलब की वजाहत। शौकानी साहब जो इब्ने तैमिया के तरफदारों और वहाबियों के मुआफ़िकीन में से है, कहते हैं साहिब नजद के ज़रिए हम तक पहुँचने वाली चीज़ों में से एक ये है, जो कोई शख्स नमाज जमात में शरीक ना हो इसका खून हलाल है, जबकि ये बात कानून शरीयत के बरखिलाफ़ है। लेकिन हम आपको बताते चलें, अहले सुन्नत के सलफ़ साले और आइमा अरबा नमाज को घर या मस्जिद के अलावा किसी दूसरी जगह पढ़ते थे। मसलन इमाम मालिक शुरू में नमाज के लिए मस्जिद जाया करते थे, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर मस्जिद में जाना तर्क कर दिया और घर में ही नमाज पढ़ते थे। लेकिन जब इसके बारे में लोगों ने इन पर एतराज़ात करने शुरू कर दिए तो कहते थे, मैं इसकी वजह और दलील नहीं बता सकता। अहमद बिन हम्बल पर भी जब खलीफा वक्त का गज़ब हुआ और कैर पढ़ने लगा तो उन्होंने भी मस्जिद जाना तर्क कर दिया, यहाँ तक कि नमाज या दूसरे काम के लिए भी मस्जिद में नहीं जाते थे। मिस्र के साबक मुफ्ती और अलअज़हर यूनिवर्सिटी के साबक सदर शेख महमूद शालतूत फरमाते हैं, मुसलमानों को अख्तियार है कि जहाँ भी नमाज पढ़ना चाहे पढ़े, चाहे मस्जिद हो या घर, जंगल हो या कारखाना, खुलासा यह है कि जहाँ भी नमाज का वक़्त हो जाए वहीं पर नमाज अदा कर लें। इब्ने तैमिया की बाकी गुफ्तगू। इब्ने तैमिया उस शख्स के बारे में कहते हैं जो नमाज ज़ोर को मगरिब तक और नमाज मगरिब को आधी रात तक ताखीर से पढ़े, गोया वो काफर है। अगर कोई इस काम को कुफर ना माने तो इसकी भी गर्दन उड़ा दी जाए। नीज इस तरह कहते हैं, अगर कोई शख्स चाहे वो मर्द हो या औरत नमाज ना पढ़े तो इसको नमाज पढ़ने के लिए कहा जाए और अगर कबूल ना करे तो अक्सर उल्मा इस बात को वाजिब जानते हैं कि इससे तौबा कराई जाए और अगर तौबा ना करे तो इसको कत्ल कर दिया जाए, चाहे वो नमाज के वजूद का इकरार करता हो। इसी तरह वो बालक जो नमाज पंचगाना में से
किसी एक नमाज को अदा करने से परहेज़ करे या नमाज के किसी एक मुसल्लम वाजिब को तर्क करे तो ऐसे शख्स से तौबा कराई जाए, और अगर तौबा ना करे तो इसे कत्ल कर दिया जाए। इब्ने तैमिया मखलूकात में से किसी चीज़ की कसम खाने या गैर खुदा के लिए नज़र करने को भी शिर्क जानते थे, जिसकी तफसील इंशाल्लाह बाद में जिक्र होगी। नंबर 3, खुदा के दीदार और इसके लिए छत का साबित करना। इब्ने तैमिया की किताब मिनहाजुल सुन्ना है, जिसमें वो कहते हैं अहले सुन्नत से मंसूब तमाम अफराद खुदा के दीदार के इस्बात पर इत्तफाक रखते हैं, और उलमाए कदीम का इस बात पर इजमा है कि रोज़े क़यामत खुदा को इन ही सर की आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन दुनिया में इसको नहीं देखा जा सकता। हाँ, पैगंबर इस्लाम के बारे में खिलाफ है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में खुदा का दीदार किया है या नहीं। इब्ने तैमिया ने खुदावंद के दीदार और छत और समत को साबित करने के लिए तफसीली बहस की है और आयात व हदीस से इस्तदलाल किया है। चुनाचे इब्ने तैमिया ने इस मसले को साबित करने के लिए एक रिसाला लिखा। कुरानी आयात व हदीस इस मसले पर दलालत करती हैं कि खुदावंद आलम अर्श और आसमान के ऊपर रहता है, और इसकी तरफ उंगली से इशारा किया जा सकता है। रोज़े क़यामत खुदावंद को देखा जा सकता है, और ये कि खुदावंद मुस्कुराता है। और अगर कोई शख्स खुदा के आसमान में होने का एतकाद ना रखे तो इससे तौबा करानी चाहिए, और अगर तौबा कबूल कर ली तो ठीक, वरना इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। इसी तरह वो कहते हैं कुरान मजीद की ज़ाहिरी आयात के मुताबिक खुदावंद आलम आज़ा और जवारिख रखता है, लेकिन खुदावंद आलम की फोकियत और इसके आज़ा और जवारिख को इंसान के आज़ा और जवारिख जैसा नहीं कहा जा सकता। रुयत खुदा के बारे में इब्ने कय्यम का नज़रिया। इब्ने तैमिया के शगीर्द और हम फिक्र इब्ने कय्यम ने इस सिलसिले में एक तवील कसीदा कहा है, जिसका नाम काफिया अशाफिया है, जिसकी शरह हम्बली उल्मा में से अहमद बिन इब्राहिम ने 2 जिल्दों में तोज़ी अल मकासिद के नाम से लिखी है। इब्ने कय्यम लिखते हैं अहले बैशत खुदावंद का दीदार करेंगे और इसके चेहरे मुबारक पर नज़र करेंगे। उन्होंने इस मौजू को अपने आशार में बयान किया है। तर्जमा, अहले बैशत खुदावंद आलम को अपने सर के ऊपर से देखेंगे जिस तरह चाँद और सूरज को देखते हैं। ये बात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बतौर तवातर नकल हुई है, और इस बात का इनकार वही करता है जिसका ईमान फासद है। नंबर 4, खुदा का आसमान दुनिया से ज़मीन पर उतरने का अकीदा। इब्ने बतूता मशहूर तारीख नवीस दमिश्क की तौसीफ बयान करते हुए कहता है, दमिश्क के हमली अजीम फुका में से एक तकीउद्दीन इब्ने तैमिया था, जो मुख्तलिफ फ़नून में महारत रखता था और अहले दमिश्क को मिंबर से वाज़ो नसीहत करता था। एक मरतबा इसने एक ऐसी बात कही जिसको उस वक़्त के उलमा ने कबूल नहीं किया और इसको बुरा समझा, और उस वक़्त के मिस्री बादशाह मलिक नासर को ख़बर दी कि इब्ने तैमिया ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। मलिक नासर ने हुक्म दिया कि इसको कायरा रवाना कर दिया जाए, और जब इब्ने तैमिया कायरा लाया गया तो उस वक़्त मलिक नासर ने फुका को बुलाया, जिसमें सबसे पहले शरफुद्दीन मालकी ने आगाज़ सुखन किया और इब्ने तैमिया के अकायद को शुमार करना शुरू किया। मलिक नासर ने हुक्म सुनाया कि इब्ने तैमिया को जिंदान में डाल दिया जाए। चुनाचे चंद साल इब्ने तैमिया को जिंदान में रहना पड़ा, लेकिन उसने वहाँ रहकर तफसीर में एक किताब बनाम अल बहरुल मुहीत लिखी, जो तकरीबन 40 जिल्दों पर मुश्तमिल थी, और जब जिंदान से आज़ाद हुआ तो फिर अपना पुराना अकीदा लोगों के सामने बयान करना शुरू किया, जिसकी फिर उलमा ने मुखालफत की। मैं इब्ने बतूता उस वक़्त शाम में था जब इब्ने तैमिया ने जुमे के दिन जामे मस्जिद के मिंबर पर तकरीर की और लोगों को वाज़ो नसीहत की, तो मैं भी उस वक़्त मस्जिद में था। उसने अपनी गुफ्तगू के दौरान कहा कि खुदावंद आसमान दुनिया पहले आसमान पर इसी तरह नाजिल होता है जिस तरह मैं नीचे आता हूँ। यह कहकर इब्ने तैमिया मिंबर के एक जीने से नीचे उतर आया। जब इसने ये कलमात ज़बान पर जारी किए तो एक मालकी आलम बनाम इब्नुल ज़ारा इसकी मुखालफत के लिए खड़ा हो गया और इसकी बातों से इनकार करने लगा। ये देखकर लोगों ने इब्ने तैमिया पर हमला शुरू कर दिया और इस पर जूतों की बारिश होने लगी, यहाँ तक कि इसका इमामा भी गिर पड़ा। जब इमामा गिरा तो इसके नीचे से हरीर की एक टोपी निकली, जिसको देखकर लोग मजीद बरहम हो गए कि एक फकी और हरीर की टोपी पहने हुए है। इसके बाद इसको अज़ुद्दीन इब्ने मुस्लिम हम्बली काजी के पास ले जाया गया। मस्कूरा काजी ने इसकी बातों को सुनकर इसको ताज़ीर करने के बाद इसको ज़िंदा के लिए रवाना कर दिया। मालकी और शाफी काजियों को इस हम्बली काजी का ये हुक्म नागवार गुजरा। इन्होंने इस बात की खबर मलकल उमरा
सैफुद्दीन तक पहुंचाई। सैफुद्दीन ने इस मौजू और इब्ने तैमिया की दूसरी बातों को तहरीर करके इस पर चंद गवाहों और काजियों के दस्तखत लेकर मलक नासर को भेज दिया। मलक नासर ने हुक्म दिया कि इब्ने तैमिया को जिंदान में भेज दिया जाए। चुनाचे वो कैद में रहा यहाँ तक कि इस दुनिया से चल बसे। इब्ने तैमिया ने रिसाला अकीदा वासिया में एक हदीस जिक्र की है जिसमें तहरीर है कि खुदाबंद आलम हर शब आसमान अव्वल पर नाजल होता है। नंबर 5, अम्बिया अलैहिस्सलाम का बेसत से कबल मासूम होना ज़रूरी नहीं। इब्ने तैमिया अलामा हिल्ली के इस नज़रिए को कि अम्बिया कराम अव्वल उम्र से आखिर उम्र तक गुनाह कबीरा और सगीरा से मासूम होना ज़रूरी है और अगर मासूम ना हो तो इस पर एतमाद और भरोसा नहीं किया जा सकता का जवाब देते हुए कहते हैं, अम्बिया अलैहिस्सलाम बेसत से कबल मासूम होना ज़रूरी नहीं है और अपनी इस बात को साबित करने के लिए दलीलें भी देते हैं। इब्ने तैमिया का एतकाद था कि अम्बिया अलैहिस्सलाम की असमत फ़कत अमूर तबलीग में होती है और उन्होंने इस सिलसिले में एक रिसाला भी लिखा है। नंबर 6, पैगंबर इस्लाम की वफात के बाद इब्ने तैमिया अपने अकायद और नज़रियात की मुखालिफ अहादीस को ज़ईफ़ और गैर सही बताते हैं। मसलन इन्होंने इस हदीस शरीफ, जिसने मेरी रहलत के बाद हज किया और मेरी कब्र की ज्यारत की गोया इसने मेरी ज़िंदगी में मेरी ज्यारत की को ज़ईफ़ बताते हुए कहा है कि इस हदीस को कबूल नहीं किया जा सकता। इसी तरह ये हदीस शरीफ, जो शख्स हज बजा लाए और मेरी कब्र की ज्यारत ना करे गोया इसने मुझ पर जफा की, और ये हदीस शरीफ, जो शख्स मेरी ज्यारत करे मुझ पर इसकी शफात करना वाजिब है, इन्होंने इन दोनों अहादीस के रावियों को भी कबूल नहीं किया है। रोज़ा रसूल, दुआ और नमाज की हुरमत के बारे में इब्ने तैमिया का नज़रिया। इब्ने तैमिया साहब कहते हैं, ऐसी कोई हदीस नहीं है जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुताहिर की ज्यारत के मुस्तहब होने पर दलालत करे। इस वजह से खुलफा के ज़माने में कोई शख्स भी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के नज़दीक नहीं जाता था, बल्कि मस्जिद नबवी में दाखिल होते वक्त और वहाँ से निकलते वक्त फ़कत आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया करते थे। इसके बाद इब्ने तैमिया कहते हैं, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुताहिर के नज़दीक हो जाना बिदत है। नीज़ आ हज़रत की कब्र मुनव्वर की तरफ रुख करके बुलंद आवाज़ में सलाम करना भी जायज़ नहीं है। इब्ने तैमिया इन बातों को नकल करने के बाद आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुताहिर के बारे में इस तरह कहते हैं, आ हज़रत का जस्ते मुबारक हज़रत आयशा के हुजरे में दफन हुआ है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज के हुजरे मस्जिद के मशरक में किबले की तरफ थे और हज़रत आयशा के मरने के बाद वलीद बिन अब्दुल मालिक बिन मरवान की खिलाफत के ज़माने तक इनके हुजरे में ताला लगा हुआ था। वलीद ने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को ख़त लिखा कि पैगंबर की अजवाज के तमाम हुजरे इनके वारसों से ख़रीद लिए जाए और इनको गिरा कर मस्जिद नबवी का हिस्सा करार दे दिया जाए। इसके बाद इब्ने तैमिया कहते हैं, जब तक हज़रत आयशा ज़िंदा रहीं लोग इनके पास अहादीस सुनने के लिए जाते थे, लेकिन कोई भी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के नज़दीक नहीं जाता था, ना नमाज के लिए ना दुआ के लिए। उस वक़्त कब्र पर कोई पत्थर वगैरह नहीं था बल्कि मोटी रेत का फर्श था और हज़रत आयशा किसी को भी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र वाले हुजरे में नहीं जाने देती थी और किसी को भी ये हक हासिल नहीं था कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास जाकर दुआ करे या नमाज पढ़े। लेकिन बाज जाहिल और नादान अफराद आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे और नाला और फरियाद करते थे और ऐसी बातें कहते थे जिसके बारे में मना किया गया है। अलबत्ता ये तमाम चीज़ें हुजरे के बाहर होती थी और किसी को भी इतनी जुरत नहीं होती थी कि वो कब्र पैगंबर से नज़दीक हो और वहाँ नमाज़ पढ़े या दुआ करे, क्योंकि हज़रत आयशा किसी को भी इतनी इजाज़त नहीं देती थी कि कोई कब्र के नज़दीक जाकर नमाज़ पढ़े या दुआ करे। हज़रत आयशा के बाद इस हुजरे के दरवाजे पर ताला था, यहाँ तक कि वलीद बिन अब्दुल मालिक ने इस हुजरे को मस्जिद नबवी में शामिल करवा दिया और इसके दरवाजे को बंद कर दिया और इसके चारों तरफ एक दीवार बना दी गई। हुजरे के अंदर कब्र मुताखिर पर ना तो कोई पत्थर है और ना ही कोई तख्ती, बल्कि कब्र मुताखिर मोटी रेत से छुपी हुई थी। इन मतालब का जिक्र करने से इब्ने तैमिया का मकसूद आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुताहिर के पास नमाज पढ़ना और दुआ करना बुत परस्ती की मादिद और शिर्क के हुक्म में था। इब्ने तैमिया ने इन बातों को साबित करने के लिए चंद अहादीस का सहारा भी लिया है। क्या इब्ने तैमिया का ये नज़रिया दुरुस्त था, तारीख इस हवाले से क्या कहती है, इसका जिक्र किसी दूसरी वीडियो में किया जाएगा। ज़ियारत कब्र नबी पर इब्ने तैमिया की बाकी गुफ्तगू। इब्ने तैमिया की दलीलों में सलफ़ साले और ताबीन का अमल भी है, लेकिन अजीब बात यह है
कि यही इब्ने तैमिया ज़ियारत के बारे में सलफ़ साले के अमल को कबूल नहीं करते और कहते हैं कि सलफ़ साले का अमल काफ़ी नहीं है बल्कि किसी दूसरी दलील का होना भी ज़रूरी है, यहाँ तक कि इब्ने तैमिया ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को देखना भी ममनू करार दिया। वो कब्र मुताखर और रोज़ा मुबारक के बारे में इस तरह कहते हैं कि कोई भी ज़ायर किसी भी तरीके से आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत नहीं कर सकता और कब्र के चारों तरफ भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि तमाम ज़ायरीन वहाँ जमा हो सके, और जिस हुजरे में हज़रत रसूल की कब्र मौजूद है इसमें कोई जाली वगैरह नहीं है कि इससे आपकी कब्र को देखा जा सके, और लोगों को भी आ हज़रत की कब्र मुताहिर को देखने से ममानत की गई है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।